धान खरीदी पर घमासान, कांग्रेस और बीजेपी में टकराव। धान खरीदी के मुद्दे पर सियासत छत्तीसगढ़ में कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर धान खरीदी का मुद्दा गरमाया है। दरअसल बीजेपी ने मांग की है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी सरकार करे। बीजेपी ने धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि सोसाइटी में धान खरीदी की समुचित व्यवस्था नहीं दिख रही है, किसानों के लिए बैठने पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी किसानों से किया जाए। 1 नवंबर से खरीदी शुरू हो रही है। सोसाइटियों में हम जा करके देख सकते हैं कि आज भी धान खरीदी की समुचित व्यवस्था वहां पर नहीं है, और हमारा आग्रह है राज्य सरकार से कि जो नॉर्मल कांटे से धान की खरीदी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कांटे से किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार देश भर में धान का सबसे ज्यादा दाम 2,500 रुपए प्रति क्विंटल देती है। भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल 2018-19 में 81 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, जबकि 2019-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। वहीं 2020-21 में बम्पर धान की खरीदी का रिकॉर्ड बनाते हुए 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। अब सरकार ने 2022-23 के लिए 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। हालांकि बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास, मैंने कहा ना, कोई मुद्दा नहीं है, केवल विपक्ष में इसलिए विरोध करना है। इनको 15 साल का समय मिला था, कभी इन्होंने 20 क्विंटल खरीदा क्या? कभी ये 70 लाख मीट्रिक टन से ऊपर खरीदे क्या? और हमारी ओपनिंग धान खरीदी का सरकार में आने के बाद पहला ओपनिंग 82 लाख मीट्रिक टन का, दूसरे साल 84 लाख मीट्रिक टन, पिछले वर्ष हमने खरीदा 98 लाख मीट्रिक टन, और इस वर्ष जो खरीदने की जा रहे हैं वो 110 लाख मीट्रिक टन। तो हमारे कहीं ये जोड़ में है क्या? छत्तीसगढ़ में कुछ साल से किसान और धान बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा कर विपक्ष से लगभग धान और किसान से केंद्रित सभी मुद्दे छीन लिए हैं। हालांकि विपक्ष तैयारियों को लेकर सरकार को घेरने में लगा है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। धान एक ऐसा सियासी मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ की सर्द हवाओं को भी गर्म कर रहा है। ऐसा कोई नया मामला नहीं, लेकिन हर बार अलग अलग वजहों से धान सत्ता का सियासी केंद्र जरूर बन जाता है। अब जबकि धान खरीदी में कुछ घंटों का वक्त ही बचा हुआ है, तो खरीदी की तय सीमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी कह रही कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल कम से कम धान खरीदा जाए। अब सवाल सबसे बड़ा यही हो रहा है कि कांग्रेस ये कह रही है कि पहले जब आप थे तब तो आप 10 क्विंटल ही खरीदते थे, हमने आंदोलन किया तब आप 10 से 15 तक पहुंचे, नहीं तो आप 10 तक ही रोक देते। भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार धान की बम्पर पैदावार हुई है, और बचा हुआ धान आखिर किसान करेगा क्या? तो नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 2018 का चुनाव परिणाम साफ तौर पर धान और किसान नहीं तय किया गया था, तो 2023 की घड़ी भी करीब है। क्या फिर से धान और किसान ही मुद्दा रहेंगे? हर समय दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी को धान और किसान का मुद्दा आखिर इतना क्यों भाता है? क्यों नवंबर के महीने और जब से धान खरीदी शुरू होगी और तब से लेकर जब तक धान खरीदी होगी, यही दोनों मुद्दे छत्तीसगढ़ की सत्ता में, केंद्र में लगातार बने रहेंगे। तो आज विषय भी हमारा यही है, धान पर घमासान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ पारसनाथ साहू जी मौजूद हैं, किसान नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद है विजय शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। चूंकि आज धान पर घमासान मचा हुआ है, तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास ही चलूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल आखिर सरकार क्यों नहीं खरीद रही है। विजय जी, ऐतराज किस बात का है? किसान की पॉलिसी को लेकर ऐतराज है, धान से ऐतराज है, सरकार से ऐतराज है। नवंबर में ही हर समय भारतीय जनता पार्टी को किसानों की याद आ जाती है। धान खरीदी पर आप जब थे, धान खरीदी करते तब भी सवाल उठते थे, गीला धान, धान नहीं खरीद रहे, किसान लगातार भटक रहा है। सत्ता बदलती है, क्या सुर बदल जाते हैं? नहीं सर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, मेहनत करके काम करती है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब केंद्र में प्रधानमंत्री बने, उसी समय किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ। उससे पहले आज़ादी के बाद से तब तक 50 सालों में कभी नहीं सोचा गया कि किसान को भी
लोन की जरूरत है उसको इनके चंगुलों से छुड़ाया जाए, धनकों के चंगुल से छुड़ा करके बैंक तक पहुंचाया जाए। दूसरा, मैं एक विषय आपसे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तब ही विधिवत धान खरीदी प्रारंभ हुआ है, उससे पहले की जो कांग्रेस सरकार थी वो तो पानी में डुबाकर धान को देखा करती थी, हम सब जानते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो धान खरीदी की परंपरा प्रारंभ हुई है वही आज तक लागू भी है। मैं विशेष रूप से इसमें यह बात कहना चाहता हूं कि उनके डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में 15 साल में कभी भी मैंने ये नहीं हो पाया कि किसान को रासायनिक खाद के लिए भटकना पड़े, कभी ये नहीं हुआ कि किसी तरह का वर्मी कंपोस्ट खाद जो बिल्कुल वैसा खाद नहीं है, जो मिलावटी है, जिसमें कंकड़ पत्थर भी हैं, उसको जबरन 300 रुपया प्रति बोरा की दर से किसान को दिया जाए और एकड़ में 3 बोरा यानी 900 रुपया एकड़ के पीछे किसान को खर्च पड़ता है, उसको जबरदस्ती सरकार दे रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार या भाजपा की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रासायनिक खाद के साथ साथ उनको बोरे के लिए भटकना पड़े। इनके प्रबंधन पहले से किए जाते थे, वो प्रबंधन का ही काम है। बोरा आपको एक ही जगह से मिलेगा, पूरी दुनिया, पूरे भारतवर्ष में बोरा एक ही जगह से मिलता है और रासायनिक खाद भी पूरी दुनिया में जिन जिन कंपनियों से आती है वो हर शासनकाल में आती, चाहे किसी का शासनकाल हो। बात है प्रबंधन की, बात है किसानों की चिंता की, ये होना चाहिए। आपको विशेष एक बात मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में 24 लाख मीट्रिक टन धान का चावल ही केंद्र की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार से खरीदती थी। इस बार 2 सालों से केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ की से 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद रही है और उसका अर्थ होता है कि 91 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ में केंद्र की सरकार कर रही है। 110 लाख मीट्रिक टन कुल धान छत्तीसगढ़ में खरीदा जाना है, इतना टारगेट है, वो उससे कम ही हुआ करता है हमेशा। अब आप मुझे बताएं कि 10-15 हजार मीट्रिक टन धान ही कुल मिलाकर बचा रहेगा जिसको छत्तीसगढ़ की सरकार उपार्जन करेगी, उसके अतिरिक्त 85% किसानों का धान केंद्र की सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। और इसमें विशेष रूप से एक बात आपको मैं बताऊं, आपको ध्यान होगा कि इतनी बड़ी राशि, इतना धान, जब 91 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन केंद्र की सरकार कर रही है तो 16,000 करोड़ से अधिक राशि, समर्थन मूल्य की राशि किसानों को केंद्र की सरकार दे रही है। अब जब ये 16,000 करोड़ की राशि दी जाती है देवांगन साहब, तो एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि मंडी टैक्स भी इस पर केंद्र की सरकार देती है, इसके लिए आवश्यक बोरे का पैसा भी केंद्र की सरकार देती है जो लगभग 1100 करोड़ रुपया है। इसके बाद धान के परिवहन का पैसा केंद्र की सरकार देती है, चावल के परिवहन का पैसा केंद्र की सरकार देती है, उसके मिलिंग का पैसा केंद्र की सरकार देती है, कुल मिलाकर 22,000 करोड़ लगभग केंद्र छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन के लिए केंद्र की सरकार दे रही है। और छत्तीसगढ़ की सरकार जो दे रही है वो महज 4-5 करोड़ है। ये दस्तावेजी प्रमाण है, ये आंकड़े स्पष्ट हैं, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। घनश्याम जी, किसान हितैषी बोला जाता है आपको, माटी पुत्र है मुख्यमंत्री, किसानों को माला माला आपने किया है, कोई दो राय नहीं, बहुत पैसा किसानों को दिया। बीजेपी की मांग है 20 क्विंटल अगर प्रति एकड़ में खरीदने की मांग बीजेपी कर रही तो पूरी कर दीजिए ना, क्या हो जाएगा? और वो ये बता, बाहरी सीमाएं तो बंद है, कलेक्टर एसपी कुछ दिन बाद डंडा लेकर आपको सीमाओं में खड़े दिखेंगे, बाहर का धान तो आएगा नहीं। तो भाई यही किसान का धान है, 20 क्विंटल अगर बोल रहे हैं तो खरीद लीजिए, दिक्कत क्या है उसमें घनश्याम जी? देखिए आदि जी, सर्वप्रथम तो कल 1 नवंबर को राज्य 22 वर्ष का होने जा रहा है, मैं उसकी पूर्व संध्या पर समस्त प्रदेशवासियों को राज्य निर्माण दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो विषय आपने रखा है निश्चित ही आज आदित्य जी ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये राज्य के हमारे अन्नदाताओं के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। विषय ये नहीं है कि 15 क्विंटल क्यों खरीदे जाते थे, आज 20 क्विंटल क्यों नहीं खरीदे जा सकते, या 10 क्विंटल तब खरीदे जाते थे, क्यों कांग्रेस के आंदोलन से वो 15 क्विंटल हुए, तमाम प्रकार की बहुत सारी बातें जिस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं और लगभग इन 3-4 वर्षों में आप देखिएगा आदित्य जी, जो लक्ष्य वर्तमान में, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश जी स्वयं किसान हैं और किसान हमारी प्राथमिकता में है, किसान हमारे अन्नदाता है, इस बात को लेकर हम लगातार इस प्रदेश में किसानों के हित में लगातार सरकार। आज बात यह हो रही कि 20 क्विंटल धान क्यों नहीं खरीदा जाए, मैं पूछना चाहता हूं विजय जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी से, भारत देश में ऐसा भाजपा शासित कौन सा राज्य है जहां पर 20 क्विंटल धान खरीदा जाता हो? लेकिन हां, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर प्रति क्विंटल 2500 रुपए किसानों को उनकी मेहनत का दाम दिया जाता है। आप राजनीति करिए, कहीं दिक्कत नहीं है, आपकी 20 क्विंटल की मांग जायज हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर
जब राज्य की उम्र कल 22 वर्ष हो रही है, 15 साल प्रदेश के किसानों ने, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया आदित्य जी, लेकिन तब ये कभी 20 क्विंटल तो छोड़िए जो इन्होंने वायदा किया 2100 रुपए समर्थन मूल्य का, जो इन्होंने वायदा किया किसानों को धान 300 रुपए देने का, इन वायदों से ये मुकर गए। और उसका परिणाम ये रहा आदित्य जी कि प्रदेश के हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज ये मांग करते हैं, हमें इनके मांग से कहीं दिक्कत नहीं, हम इनके मांग को सहज रूप से स्वीकार करते हैं, इस पर विचार भी होगा, लेकिन बात इस बात की है कि राजनीति में इतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में विचलित हो चुकी है, मुद्दा विहीन हो चुकी है, कि ये बेतर्क बातें करके किसी न किसी रूप में प्रदेश के लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहता है। अभी विजय जी मेरे बड़े भाई तमाम प्रकार के आंकड़े और राशियों के बारे में जिक्र कर रहे थे, भाई केंद्र सरकार की किसानों को दी जाने वाली व्यवस्था ये संघीय व्यवस्था है, ये कोई 4 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार में केंद्र सरकार पैसा दे रही है ये ऐसा नहीं है, ये संघीय व्यवस्था है जिसके आधार पर पूर्व में भी इस राज्य में किसी की भी सरकार रही हो, केंद्र में किसी की भी सरकार रही हो, यह व्यवस्था तमाम बनी रहती, लेकिन उसका गुणगान ऐसा करना कि हम इतना पैसा दे रहे हैं इसलिए कि, तो आपकी सरकार थी, आप 20 क्विंटल खरीद लिए होते, क्यों गुमराह करते रहे आप किसानों को, क्यों आत्महत्या करते रहे किसान, आज किसानों के हितचिंतक बनने का प्रयास आप कर रहे हैं, अगर यही स्थिति होती तो हजारों किसान की आत्महत्या नहीं होती। आदित्य जी किसान क्या क्या चाहता है, पारस जी क्या चाहता है, वह वाकई में चाहता है कि 20 क्विंटल खरीदा जाए, क्योंकि सवाल वही है, किसान बीजेपी कांग्रेस को दोनों को देखा है। आपसे क्या पूछा गया था पहले कि 15 क्विंटल ही हम खरीदेंगे, क्या आपसे कभी पूछा गया कि 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल किसान क्या चाहता है पारस जी? किसान ये चाहता है उसके उपज का ज्यादा से ज्यादा खरीदी हो, हम वो 20 क्विंटल मांग किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका हम स्वागत करते हैं, हम तो चाहते हैं 25 क्विंटल खरीदी हो, किंतु अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बन जाए तो वो भी नहीं खरीद सकती, उसका पेच फंसा हुआ है समर्थन मूल्य में। इसीलिए हम भारत के किसानों ने पिछले साल 13 महीने तक आंदोलन किया और हमारी 750 किसान उसमें शहीद हुए। हमारी मुख्य मांग थी कि समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हमको प्रदान कीजिए, अगर समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी केंद्र सरकार लागू कर दे तो कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, उसको पूरा पूरा खरीदी करना होगा, हम उसकी बात का स्वागत करते हैं। और ये मांग राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार को अगर मांग करे तो पूरे देश के किसानों का भला होगा। और ये 20 क्विंटल की मांग मात्र 6-7% तक ही किसानों को फायदा हो रहा है, और हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि वो समर्थन मूल्य में पूरा पूरा धान खरीदी करे, इसके लिए कानूनी गारंटी प्रदान करे। बीजेपी से ही मैं सवाल करूंगा, पहले तो मुझे याद है विजय जी आपको भी याद होगा, घनश्याम जी बैठे हैं, पारस जी बैठे हैं, कई बार नवंबर के 15 तारीख या नवंबर के बाद भी खरीदी आप लोगों ने शुरू की थी जब डॉक्टर साहब यहाँ पर थे। क्या किसान का मुद्दा बहुत सूट करता है, क्योंकि चावल वाले बाबा, चाउर वाले बाबा कहा जाता था डॉक्टर साहब को, तो क्या धान के मुद्दे पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तमाम चीजें, क्योंकि आपके समय भी खरीदारी देर से हुई, कभी आप लोगों ने 20 क्विंटल नहीं खरीदा, क्या उस समय धान की पैदावार नहीं होती थी, या उस समय समय का ध्यान नहीं आता था, विपक्ष में आया तब ये सब चीजें सामने आती? विजय जी नहीं सर, मसला बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए जो ये बात कह रहे हैं कि 300 रुपए बोनस की बात उस समय हम लोगों ने की थी, 3 साल का बोनस भाजपा ने दिया भी था, 2 साल का बोनस भाजपा नहीं दे पाई थी, जनता की नाराजगी थी, जनता ने कहा हमको कि विपक्ष में रहें, सरकार की निगरानी करें, हम विपक्ष में हैं, सरकार की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं अभी छत्तीसगढ़ में, सबसे पहला वादा जो कांग्रेस की सरकार का है उस वो ये है कि आप देखेंगे उनके घोषणा पत्र में पहला लाइन ये है कि सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ, स्टेट बैंक में जो किसानों के अकाउंट्स हैं उनके भी कर्जा माफ नहीं हुए हैं, बाकी दूसरे बैंकों को छोड़ दें आप, कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ करके। उसी पहले लाइन के नीचे में दूसरा लाइन है कि जो 2 साल का बोनस किसानों का दिया जाना था, जो भाजपा की सरकार न दे पाई थी, भाजपा को सजा मिली है जिसके कारण, वो हम देंगे, वो आज तक नहीं दिया गया है। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि 20 क्विंटल चावल के लिए जो मांग है वो इस साल के अच्छे पैदावार के कारण है, अच्छी पैदावार है, 25 क्विंटल तक होता है धान, तो 25 क्विंटल तक होता है किसानों का। अब हो क्या रहा है कि 2500 रुपए क्विंटल में जो सरकारी खरीदी है उसके बाद जो किसानों का 10 क्विंटल धान, लगभग 12 क्विंटल धान जो बचता है, उसके लिए 1200-1300 रुपया प्रति क्विंटल की दर से पैसा मिलता है, जो बहुत बड़ा घाटा है किसानों का। जो अंतर की राशि समर्थन का मूल्य तो सीधे सीधे केंद्र की सरकार की तरफ से मिल रहा है,
जो अंतर की राशि है वो है लगभग 300 रुपया और वो 4 किस्तों में मिलता है, वो मिले जैसा नहीं लगता है किसान को, यह भी बड़ा गड़बड़ है। आप देते थे क्या उतना पैसा? जी मैं वही कह रहा हूं, हमारा हमारे समय बोनस मिला तो वो एक साथ मिला है, बोनस मिला है वो एक साथ मिला है, वो 4 किस्तों में नहीं मिला है। 2 साल का बोनस नहीं देने पाने की सजा हम भुगत रहे हैं और हमको स्वीकार है जनता का जनादेश, उसमें भी कोई संशय नहीं है हमारे मन में। लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि 5 क्विंटल धान की खरीदी होती थी पहले कांग्रेस की सरकार में, अगर आप याद करें तो, और उसके बाद ये 15 क्विंटल तक भाजपा की सरकार में हुई है। मेरे साथी तिवारी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की मांग पर भाजपा ने उसको 15 क्विंटल किया है। मैं भी उनसे निवेदन करता हूं ऐसी ही सहृदयता आप भी दिखाएं, हमारी मांग पर इस बार 15 क्विंटल से 20 क्विंटल उसको आपको करना चाहिए। और इसलिए एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1 नवंबर से धान की खरीदी है, धान के उपार्जन केंद्रों में जो धान खरीदी होती है उसका मॉइस्चर 17% होता है। उत्तराखंड की सरकार ने अभी 20% मॉइस्चर का धान खरीदने की घोषणा की है। मैं तो 20 क्विंटल धान के साथ साथ एक और मांग करता हूं सरकार से कि 20% मॉइस्चर के धान को भी इस बार खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि आप सबके ध्यान में है अभी तक बारिश होती रही है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है, इस विषय को भी सरकार ध्यान दे जरूर। ये लेकिन वही होता है, विपक्ष में आने के बाद सुर दूसरे होते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो ये सब बातें क्यों नहीं सोचते, सोच लेते तो शायद भारतीय जनता पार्टी 2018 में इस तरह का प्रदर्शन नहीं देखने को मिलता। पारस जी, बीजेपी मांग कर रही है, आप समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो हम बात करते हैं अतिशेष धान, इसका करते क्या है आप लोग, क्योंकि 15 क्विंटल तो चलिए सरकार ने खरीद लिया, उसके बाद जो बचता है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि बिचौलियों को आप ना बेचें, आसपास की जो राज्यों की सीमाएं हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ती हैं उनको भी आपने सील करके रखा है, लेकिन जो किसान के पास अतिशेष धान बचता है उस धान का आखिर आप लोग क्या करते हैं? पारस जी, औने पौने बेचना पड़ता है हमको, ध्यान दीजिए जी, पारस जी कंटिन्यू करिए जी। नहीं, वही बताया ना, उसको औने पौने बेचना पड़ता है, इसीलिए हमारी मांग है कि हमारा अनाज पूरा पूरा बिके। कंचन जी, जब ये चाह रहे हैं कि औने पौने, आप भी नहीं चाहते हैं क्योंकि 2500 रुपए आप दे रहे हैं, उसके अलावा एडिशनल जो पैसा है वो भी उनके खाते में आ रहा है, भले 4 किस्तों में आ रहा है, ये भी कह रहे हैं कि 15 क्विंटल से ज्यादा, क्योंकि 1 एकड़ में 15 क्विंटल से ज्यादा धान आता है आपको पक्का पता है, लगर ये मांग कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं, तो ये मांग को सरकार तक पहुंचाइए, भाई जो जितना भी धान है, भाई किसान आपके कोई बाहर के तो है नहीं, बाहरी सीमाएं अपने आप क्लोज है, कहीं कोई बाहर का धान आ नहीं सकता, तो जब ये मांग रहे हैं तो हम दे क्यों नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? देखिए आदित्य जी, ऐसा है, किसानों की मेहनत से उपजे धान की तुलना उनके दी जाने वाली राशि से तो की नहीं जा सकती, क्योंकि आज की स्थिति में किसान की जो मेहनत और लागत है उसका मोल छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं उन्हें 2500 रुपए समर्थन मूल्य के आधार पर मिल तो रहा है, लेकिन 15 क्विंटल से अधिक धान खरीदना एक राज्य की अपनी भी बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं, बहुत सारे नियम कायदे होते हैं जो कहीं ना कहीं रोड़ा होती है। आज पंजीकृत किसानों की संख्या की बात करूं मैं आदित्य जी, लगभग 2018 से लेकर 2022 की स्थिति में 6 लाख किसानों पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ी है, वही किसानों का रकबा बढ़ा है, खेती बढ़ी है। तो एक बात बहुत स्पष्ट समझिए, हम जब पिछले 2018 में सरकार में आए तब हमने 81 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा, उसके अगले वर्ष 19-20 में हमने 83 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा, अब 21-22 में हमने 92 लाख, अब इस बार 22-23 का लक्ष्य है 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी। तो कहीं ना कहीं ये धान हमारे किसानों का ही है और उनकी मेहनत से उपजे हुए धान का है, तो सरकार लगातार इस ओर प्रयास करी कि किसानों को उनकी मेहनत का कहीं ना कहीं मोल कैसे दिया जा सकती है, जिसकी चिंता है। दूसरी बात, मेरे साथी भाई विजय जी कह रहे थे कि बोनस हमने दिया, तो बोनस आपने चुनावी वर्ष में दिया, 2 साल बोनस उखर बात बोनस, तो चुनाव का लाभ पाने के लिए आपने बोनस दिया जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा, लेकिन बोल रहे हैं वो वही तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जैसा कि पारसनाथ जी कह रहे हैं कि आज जो गारंटी किसानों को दी जानी थी केंद्र सरकार, देखिए किसानों के साथ केंद्र से लेकर राज्य तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छलावा और वादा किला के अलावा कुछ नहीं कर पाई। किसानों की वो 750 की मौत के कारण आज केंद्र की सरकार जिनको बिल वापस लेना पड़ा, यही स्थिति प्रदेश में थी 15 साल जब किसानों के साथ झूठे वादे से यहां किसानों ने आत्महत्या की, तो कहां है वो किसानों के हितैषी? मैं पूछना चाहता हूं विजय जी से, 2022 तक इस देश के किसानों की आय दुगनी करने का बड़ा बड़ा प्रलोभन और बातें करने वाली केंद्र सरकार बताए तो सही, कैसे किसानों की आय दुगनी करने जा रहे हैं? आज किसानों की लागत बढ़ गई है, आज किसी का उपकरण की मूल्य बढ़ गए हैं, आज किसी की खेती का लागत बढ़ गया है, तो आप कैसे उनके दुगना आय करने जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों को मोल देने का जो वायदा हमने किया था, ये कह रहे कि किसका माफ हुआ ऋण? अरे लाखों करोड़ों
रुपए लोगों के खाते में चले गए। आज मुझे बताइए इन चार साल में एक भी किसान ने कर्ज के तले और अपनी किसी से परेशान होकर आत्महत्या की हो तो एक नाम बता दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम पर जितना घरेलू आंसू बहा रही है ये किसान भी देख रहा है और प्रदेश की जनता भी देख रही है। पंचायत जी, किसानों की आत्महत्या के विषय में तो मेरा बीजेपी के पास साथ भी एक्सपीरियंस रहा है, आपकी सरकार में भी, या तो किसान वो शराबी हो जाता है या तो वो किसान ऐसा नहीं है, वाकई में कोई और दूसरा कारण हो जाता है, कभी नहीं होता। सर्वविदित है, आप मीडिया है, किसान जो है आदित्य जी सर्वविदित है। अभी अभी घटना राजीव के पास सामने आई, आप जानते हैं उनके उनका उनका पारिवारिक कला का वजह था, आर्थिक रूप से नहीं, वो किसान के ऋण से नहीं मरे। किसान किसान कर्ज के तले इस प्रदेश में आत्महत्या कर ले ऐसा एक भी प्रकरण नहीं है। मैं चुनौती के साथ इस बात को कह सकता हूं। अरे मैं आपको वो प्रकरण दिलाओ दिखाऊंगा जिसमें किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है, अब तक किसान का खाता बंधक है बैंक में। जो किसान पंजीकृत किसान है बैंक में, चाहे वो व्यवसायिक बैंक से हो चाहे वो प्राइवेट बैंक से हो, हर किसानों का कर्ज माफ हुआ है। लेकिन किसानों का कर्ज माफी का भी एक दायरा है, किसानों की कर्ज माफी पहले तो एक तरफ बोनस की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं रहे हैं बोनस देंगे तो हम केंद्रीय पूल में चावल नहीं देंगे। ये कैसी दोहरी राजनीति है, ये कैसी दोहरी राजनीति है। आप मोदी सरकार को कहिए कि राज्य सरकार को इस बात की छूट दे कि वो अपने किसानों को बोनस दे सके। एक तरफ आप बोनस देने के लिए मना करते हैं, दूसरी तरफ आप उस बोनस की बात कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं। ये दोहरी राजनीति किसान समझ चुका है विजय जी, ये दोहरी राजनीति आपकी किसान समझ चुका है। आपको जरूरत है तो मोदी जी को समझाइए कि राज्य को बोलना है तो सब बोल सकते हैं। नेता भी हमारे साथ मौजूद है, पारस जी हमेशा बुलंद होती है, पारस जी सच की आवाज बुलंद होती है। भैया मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 100 लाख मीट्रिक टन धान में से 91 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र की सरकार द्वारा उपार्जित किया जा रहा है। क्या ये सही है कि गलत है? ये पहले भी होता रहा है, नहीं होता रहा है, बिल्कुल एहसान नहीं कर रहा है डॉक्टर रमेश जी। भारतीय जनता पार्टी और नेपाल के प्रधानमंत्री जी अपने घर के पैसे लगा रहे हैं, कभी उपार्जित किया टैक्स जाकिया की बात है, पसीने के कमाई के सरकार हम कर के रूप में देते हैं वो पैसे राज्य को नहीं जाता है। आप एहसान दिखाने का प्रयास मत करिए, ही कुछ बोल करके आप ये व्यवस्था है, गंजा जी एक व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ के सरकार ने वैट टैक्स कम नहीं किया है पेट्रोल और डीजल, आपने कौन सा कम कर लिया है आने का फायदा आपने किया, देश की सरकार के हाथ में झोंकने वाले आप, एक कर की बात करने वाले घनश्याम जी एक मिनट। पारस जी मेरे साथ बैठे, पारस जी दोनों पार्टियों को आपने सुना, क्या वाकई में किसानों की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का शासन भी आपने चार साल का देखा है, क्या किसानों की स्थिति सुधरी है मानते हैं आप? निश्चित रूप से पहले से काफी बेहतर है, और अभी दोनों भाइयों ने जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था, मैं तो कहता हूँ आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसानों का भला नहीं होने वाला है। दोनों सरकार मिलजुल करके ऐसे उपाय खोजना चाहिए कि पूरा पूरा धान हो और इस धान को कहाँ खा पाए, सवाल दिक्कत वहां पर है। आप एथेनॉल संयंत्र का लगाने का परमिशन दीजिए ज्यादा से ज्यादा, देखिए फिर आपको दोनों सरकार को खरीदना नहीं पड़ेगा, सब व्यापारी उठा लेंगे, आप उस और क्यों ध्यान नहीं देते? ठीक, तो देखिए धान और किसान यह मुद्दा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ बनने के साथ साथ आज भी लगातार हावी है और आगे भी हावी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 2023 में भी जो किसान का सबसे ज्यादा हितैषी बनेगा और हितैषी अपने आप को साबित करेगा, 2023 की सत्ता उसी के हाथ लगी। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।